सुप्रभात मित्रों, तो पोकेमोन सेफ के नए एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। और आज हम लाइट आइलैंड पे जाएंगे जो कि रूट 4 पे है। और रूट 4 की तरफ हमारे कदम बढ़ते हुए, और हमने रूट 4 पे कदम रख दिया है। ओके, देखता हूँ यहाँ पे कैसे पोकेमोन मिलते हैं। पहले तो मुझे ये देखने दो, क्योंकि अगर कोई ढंग का पोकेमोन होगा तो मैं ज़रूर पकड़ूंगा। मुझे ऐसा पोकेमोन नहीं पकड़ना अभी, बट नाइस, अच्छे पोकेमोन है यहाँ पे, अच्छे पोकेमोनों की कमी नहीं है। हमें तो अपना काम करना है, चलते हैं। ओके, फेरी यहाँ पे है, मुझे अपनी टिकट्स देखने दो, हम जाने के लिए तैयार हैं। ओके, मैं भी अपनी टिकट दिखा दूँ, अब आंटी जी हटो। ठीक है, फेरी जाने के लिए तैयार है। अच्छी, आर यू वॉन्टिंग टू गो टू लाइट आइलैंड टुडे? हाँ, मुझे तो लाइट आइलैंड पे जाना है। ओके, टिकट देख ले हमारी और हमें ले चल। ये क्या था, ग्लिच था क्या कोई? थैंक यू सैप फेरी लाइन के संग सफ़र करने के लिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं ले सकता हूँ क्या पोके बॉल? खैर छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं। और ओके, यहाँ पे यही है, और मेरे ख्याल से यही कोलन लेबोरेटरी है। स्वागत है तुम्हारा कोलन लाइट फाउंडेशन। ये मैं ज़्यादा समझ नहीं पाया। इस फैसिलिटी में बहुत से साइंटिस्ट काम करते हैं पोकेमोन की जान बचाने के लिए। ओके ठीक है, तुम यहाँ कैसे? ओ, अभी मुझे याद आया, तुम्हें एक टिकट मिली थी ना फेरी से इस आइलैंड के लिए। मैं यहाँ पे आया था कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिलीवर करने उस व्यक्ति को जो ये पूरी फैसिलिटी चलाता है। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो। चिंता मत करो, ये बच्चा मेरे साथ है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शो स्ट्रगल अराउंड। ओके, मैं चलूँगा, मैं आगे चलूँगा। यहाँ पे घूमने के लिए खुद को फ्री समझो, पर ज़्यादा देर तक मत घूमते रहना। चेयरमैन चौथे फ्लोर पे इंतज़ार कर रहा है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके ठीक है प्रोफेसर, मैं चौथे फ्लोर पे जाऊँगा। अब हमें भी तो जाने दो, प्रोफेसर चले गए। ओके, प्रोफेसर लिफ्ट में गए तो हम भी लिफ्ट में जाएंगे। कहाँ है भाई लिफ्ट के बटन? कहाँ है? वो लिफ्ट के बटन ही दिख रहे। ओके, यहाँ पे कुछ है, आई थिंक यही है। क्या रेस्ट्रिक्टेड एरिया? कौन सा एरिया रेस्ट्रिक्टेड है? 5th फ्लोर? ओ भाई, लगता है बड़ी ही औसम जगह होगी, रेस्ट्रिक्टेड है। अब यार कौन इतने नियमों का पालन करता है? चले जाओ ना, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, भगाएंगे तो चले जाएंगे वापस। सॉरी। ओके, यही है वो मैडम जी। ओ, कैन आई सी यू? व्हाट एल्स? तो मैंने ये सभी स्टडीज को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये परफेक्ट है, मेहनत के लिए शुक्रिया। ओ सृजल, तुम आ गए। ये सृजल है, एक पोकेमोन ट्रेनर। मैंने इसको एक पोकेडेक्स और एक स्टार्टर पोकेमोन दिया है। मैं सृजल को यहाँ बस घुमा रहा हूँ। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, लॉरी। वेलकम, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं लॉरी हूँ, वो व्यक्ति जो इस पूरी जगह को चलाती है। सो, तुम एक पोकेमोन ट्रेनर हो वॉटल्स की तरह जो वो बचपन में था? हाँ, आई वुड स्टिल बी वन, बट टाइम डजेंट रियली लेट मी, बट आई एम फाइन लाइक दिस। ओके, ये क्या हुआ? व्हाट द हेल वॉज दैट? ये क्या था? ये लगता है दूसरे सेकंड फ्लोर से हुआ है, मैं जाके देखूंगा। ओके ठीक है, हम भी सेकंड फ्लोर पे ही चलते हैं। ओके, हम जाके नीचे देखना चाहते हैं क्या है। ओके, तो अब हम नीचे जाएंगे और देखते हैं क्या है, क्योंकि हम तो ऐसे ही नहीं बैठने वाले ना, हम तो हैं खुरापाती टाइप के। हम भी जाके देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें भी शांति से बैठने का मन ही नहीं करता ना। ओके, यही है सेकंड फ्लोर। ये क्या, यहाँ से बाहर निकलेंगे क्या? ओके, ये है वो जगह जहाँ पे माम सारा चल पुलिस ऑफिसर को इस छेद में से गया है। कौन हो तुम? ये पुलिस है, मुझे अपना चेहरा दिखाओ वरना। ठीक है ठीक है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। लॉरी एंड वॉटर्स ऑफिसर सृजल, वॉट डिड वी टेल यू? हमने तुम्हें क्या बताया था? क्या तुमने वो देखा जो पुलिस ऑफिसर के साथ हुआ? ये खतरनाक है। यू ऑलरेडी मेड योर माइंड? हाँ, क्या तुमने पहले से ही अपना मन बना लिया है? तुम डिटरमाइंड हो सृजल, मे बी शायद ज़्यादा डिटरमाइंड हो। तो विल यू शो अस योर अगली?
तो क्या तुम अपने गंदे चेहरे दिखाओगे हमें? एज योर, जैसी तुम्हारी इच्छा। रुको, क्या तुम वही क्रीप्स हो जिसने उस बच्चे का पोकेमॉन चुराया था? इसका बताया हुआ एकदम वैसा ही लग रहा है। ओके, देखा मैंने, हमने अपने लिए पहले से एक नाम कमा लिया। ओके ठीक है ग्रंट्स, मुझे अब तुमसे लड़ने का बहुत मन कर रहा है, आ जाओ मैं तुम्हारी धुलाई करना चाहता हूँ। सृजल, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई जिम नहीं है। ओह, मैंने देखा तुम वही पोकेमॉन ट्रेनर हो सृजल, है ना? ठीक है सृजल, तुम हिम्मत वाले हो तो लड़ो इनसे। यही तो मैं इंतज़ार कर रहा था इन ग्रंट से लड़ने की। मुझे इस गेम की कहानी अब कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लगी है। अब मैं भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है इस गेम में। इस गेम की कहानी क्या है? इस गेम की कहानी सभी गेम से मुझे डिफरेंट लग रही है। मज़ा आने वाला है इस गेम में बहुत ज़्यादा। स्टार भी अफिंग अटैक करो। ओके, सैंडाइल गया एक ही बार में, बट आई लाइक सैंडाइल। स्टारविया को 160 पोकेमॉन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। स्क्रैगी, ठीक है स्क्रैगी को भी हम आसानी से रहेंगे क्योंकि मुझे स्क्रैगी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्रैगी को हमने आसानी से हर रुक जा सृजल, ज़्यादा जल्दी में मत आ। अब हम स्क्रैगी को हराएंगे और ये स्क्रैगी हार गया। पहले अपनी पैंट संभाल ले, बाय बाय स्क्रैगी। ओके, स्टारविया लेवल 16 का हो गया। स्टारविया ओशवॉट से भी ज़्यादा आगे पहुंच गया है। ओके, तो मुझे लगता है मुझे ओशवॉट को जल्द से जल्द इवॉल्व कर ही लेना चाहिए। ग्रंट, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक बच्चे से हार गया? दूसरा ग्रंट, तुम बेकार हो। ठीक है, ये मैं खुद ही कर लूँगी। ओके, क्या म्यूज़िक है भाई, वाह। टीम वॉइड ग्रंट सेंट ग्लेम यू। ओके, इसके खिलाफ तो मैं भी विंग अटैक ही करूँगा। ओए, फेक आउट क्यों करा? स्टार वी एफ फ्लिंच्ड। ठीक है, मैं विंग अटैक करूँगा फिर से। तुम ढीट हो तो मैं भी ढीट हूँ, तुम गलत काम करोगे तो मैं एक ही अटैक करूँगा बार बार। ओके, अब स्टंकी आ रहा है। स्टंकी के लिए मुझे भेज देना चाहिए मेरे ओशवॉट को। ओशवॉट, अब तुम्हारे लड़ने की बारी है। ओके, स्टंकी आ गया है, इस पे तो वाटर गन कर दे ओशवॉट, मज़ा आ जाएगा। स्टंकी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट ओशवॉट को भी भाई थोड़ी ट्रेनिंग तो देनी है ना। ओशवॉट को मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ओशवॉट हमारा डिवॉट बन जाए तो मज़ा आ जाएगा। स्टंकी ने फ्यूरी स्वाइप्स करे, अब कितनी देर तक करता रहेगा? हमें भी कर लेने दे कोई अटैक। ओशवॉट का अटैक मिस। ओशवॉट वाटर रन कर। यस यस, बस एक अटैक और ये जाएगा। अबे तू करता रहे फ्यूरी स्वाइप्स, तेरे फ्यूरी स्वाइप से ज़्यादा कुछ हो भी नहीं रहा है, वैसे भी तू तो जाने वाला है। बस अब रुक जा, अबे कितना मारेगा? चल ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे पता था मेरा ओशवॉट इतनी जल्दी तो जाने नहीं वाला। ओशवॉट के टैकल ने ख़त्म कर दिया स्टंकी को। ओशवॉट को 211 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ओशवॉट ग्रू टू लेवल 11। ओके, ये भी हार गई। अब तू क्या कहेगी, तू भी यूजलेस निकली। क्या लगता है हमें, लाइक वी नीड मोर देन दिस, हमें और करना होगा इस कामयाब होने के लिए, हमें ये बॉस को बताना होगा। और तुम यहाँ से दूर ही रहो, तुमने सुना ना सृजल, तुमने हमें बचा लिया और शायद और भी लोगों को बचाया है। मैं शैडो क्रिस्टल को चेक कर रही हूँ, मुझे उसे चेक करना पड़ेगा। दैट एवरी थिंग इज फाइन विद माई ओन आइज। ओके, हाँ शैडो क्रिस्टल, यू वॉन्ट टू नो इट, डू यू नो अबाउट द एलमी इंसिडेंट? नहीं, मैं नहीं जानता। इंसिडेंट के बाद जो क्रिस्टल है वो होएन को बेच दिया गया था एज एन एक इनफाइनेट एनर्जी सोर्स की तरह। उसके बाद एक्सीडेंट हुआ होएन में, तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि वो क्रिस्टल ज़्यादा ही ख़तरनाक है किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो उन्होंने उसे यहाँ भेज दिया और रिसर्च के लिए रख दिया। वो लॉक्ड है एक फैसिलिटी में, एक कमरे में, इन अ रूम नोन ओनली टू अ सर्टेन फ्यू पीपल। ओके, वो बदमाश उसी के पीछे थे, आई थिंक सो होंगे शायद, उनका क्या भरोसा।
सोचो वो क्या पा सकते हैं अगर वो उनके हाथों में लग गया। इसीलिए मैंने कहा तुमने कई सारे लोगों को बचा लिया, ये लोग खतरनाक लगते हैं, हम नहीं जानते ये क्या चाहते हैं और इनका क्या प्लान है, तो हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। ओके व्हाट वुड योर मदर डू इफ समथिंग हैपेंड टू यू। हाँ सही बात है। ओके ठीक है, अब ज़्यादा इमोशनल ना करो हमको, अब हमें यहाँ से जाने दो। ओके ये कहाँ पे आ गए हम? ओए एक बार मैं वहाँ पे फिर से जा सकता हूँ क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती निकाल दिया ना मुझको। ओके ठीक है, कोई मतलब ओए होल में जा सकते हैं क्या? टीम वॉइड मेड अ ह्यूज होल इन द वॉल। अबे तो हम नहीं जा सकते कैसे? खैर छोड़ो। ओके तो मुझे इनका नाम याद हो गया, ये टीम वॉइड है। अबे चल ना। ओके हम फर्स्ट फ्लोर पे ही जाएंगे। विच फ्लोर डू यू वॉन्ट टू गो? ओके तो हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं आई थिंक। ओके गाइस तो तुम लोगों से अब मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय। और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर तो ज़रूर ही करना।